नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रीतम लखवाल। आज हम बात करेंगे मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान की। आज उनका जन्मदिन है। सिने जगत की मशहूर अदाकाराओं को डांस पर सिनेमा हॉल में झूमने और सीटियां बजाने वाले दर्शकों को शायद ही पता होगा कि इनके ज़बरदस्त डांस के पीछे किस हस्ती की मेहनत होती है। SW24 न्यूज़ चैनल की ओर से आज हम सरोज खान को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, क्योंकि सरोज खान बॉलीवुड की ऐसी हस्ती रही हैं जिन्होंने अपने इशारों पर सुपरस्टार अभिनेत्रियों को खूब नचाया। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को हुआ था। उन्होंने बॉलीवुड की अभिनेत्रियों को अपनी कला के दम पर शिखर पर पहुंचा दिया, चाहे वो माधुरी दीक्षित हों, जूही चावला हों या फिर श्रीदेवी। सरोज खान की माँ और पिताजी साधु सिंह और नूनी साधु सिंह थे। उनका असली नाम निर्मला था, जो सरोज खान के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके माता पिता विभाजन के बाद भारत चले आए थे। सरोज खान ने अपने करियर में 200 से भी अधिक फिल्मों में कोरियोग्राफर के बतौर काम किया है। उन्होंने फिल्म नजराना में 3 साल की उम्र से एक बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और उस किरदार का नाम श्यामा था। उनको नगीना फिल्म में मैं तेरी दुश्मन के लिए बहुत प्रसिद्धि मिली थी। उन्होंने दुबई में नृत्य संस्था की शुरुआत की। नर्तकी के रूप में सरोज खान ने वर्ष 1950 से शुरुआत की। फिल्म कोरियोग्राफर बी सोहनलाल के साथ काम करते हुए उन्होंने नृत्य सीखा और खुद नृत्य निर्देशक के रूप में करियर आरंभ किया। पहले एक सहायक नृत्य निर्देशक के रूप में और बाद में एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में गीता मेरा नाम फिल्म में 1974 से शुरुआत की थी। हालांकि उनको ख्याति प्राप्त करने के लिए कई साल इंतजार करना पड़ा था, लेकिन श्रीदेवी के साथ मिस्टर इंडिया में हवा हवाई 1987 और चांदनी 1990 के गानों से उनको ख्याति मिली। बाद में माधुरी दीक्षित के साथ तेजाब फिल्म में 1-2-3 1988, थानेदार में तम्मा तम्मा 1990 और बेटा में धक धक करने लगा 1992 में हिट गाने दिए थे। इसके बाद वह सबसे सफल बॉलीवुड कोरियोग्राफर में से एक बन गई थी। 2013 में गुलाबगढ़ में फिर माधुरी दीक्षित के साथ काम किया। सरोज खान दो अन्य जजों के साथ स्टार वन पर 2005 में प्रसारित नच बलिए रियलिटी डांस शो में निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में दिखाई दी थी। नच बलिए के दूसरे सीजन में वह जज रही। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया पर प्रसारित हो रहे शो उस्तादों का उस्ताद के लिए भी वह जज बनी थी। NDTV इमेजिन पर प्रसारित किया गया शो नच ले विथ सरोज खान में 2008 में दिखाई दी। वह सोनी के शो बूगी वूगी दिसंबर 2008 में भी दिखाई दी थी। इसमें जावेद जाफरी, नावेद जाफरी और रवि बहल के साथ जज थी। वह झलक दिखला जा 27 फरवरी 2009 के तीसरे सीजन में पूर्व नच बलिए जज वैभवी मर्चेंट और अभिनेत्री जूही चावला के साथ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन इंडिया में भी नजर आई। मित्रों, सरोज खान की प्रमुख फिल्मों में तेजाब, चांदनी, नगीना, जब भी मैं, वीर जारा, साथियां, ताल, देवदास, हम दिल दे चुके सनम, परदेश, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे है। सरोज खान का 3 जुलाई 1920 को हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया था। उनके चले जाने के बाद भी उनके नृत्य निर्देशन से सजी फिल्में और नृत्य गीतों के जरिए वे हमेशा याद की जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास पेशकश। हमारे साथ बने रहिए स्मरण कार्यक्रम में और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।